The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So, subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, Namaskar Dosto, am Dr. Param you are watching doctor education. It's a lot of people who are in the market, in coronavirus, ke the government. Ne गवर्नमेंट uh, का ये जारी हुआ है नहीं वो जारी हुआ है इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग मैं नहीं देखता दुनिया में कभी जितनी अब देख रहा हूँ कोरोना वायरस के चलते त्राही त्रराही हो गई है हर जगह पे कुछ भी हो रहा है जी हाँ एक दवा आई है आइए बात करते हैं वो क्या दवा है देखिए गवर्नमेंट ट्रीटमेंट्स को या दवा को अप्रूव करती है उसका मतलब ये नहीं होता कि वो दवा कोई गेम चेंजर होगी या वो दवा आने से दुनिया से कोरोना मिट जाएगा बिल्कुल भी नहीं कोरोना के लिए कई सारी दवाएं हैं और कई सारी दवाएं के इफेक्टिविटी कुछ ना कुछ हद तक देखी गई है बिल्कुल जैसे एच की के ऊपर वीडियो बनाया गया था उसकी इफ़ेक्टिवनेस देखी गई थी ऐसी ही दूसरी दवाएं हैं वैसी एक आई है फावी पिराविर जिसको हम कहेंगे अब इसको अप्रूव कर दिया गया है का मतलब है कि अब ये इंडिया में बिकेगी इंडिया में मिलेगी और कोरोना वायरस कोविड 19 के पेशेंट्स माइल्ड टू मॉडरेट वाले केसेस में इसको दिया जा सकता है ऐसी एक कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को अप्रूवल दिया गया है तो अब ये आपको कुछ ही हफ्तों में आपके आसपास डॉक्टर्स लिखते हुए दिखेंगे इससे पहले वो क्या लिख रहे थे वो ओसेल लिख रहे थे फ्लूविर नाम से जो दवाई चलती है ओसेल टामीविर वो लिख रहे थे ओसेल टामीविर क्या है ये क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं आप भी से पहले जो दवाइयाँ चल रही थी हमने ऑलरेडी समझ लिया था एच सी क्यू एस एच सी क्यू एस लाइसोजोम्स के अंदर का जो एन्वायरमेंट है उसको चेंज करती थी ताकि वहाँ पर जो वायरस है वो ग्रो ना कर सके वेरी सिंपल तो उस

वायरस जब एक सेल को मार के या उसके अंदर बहुत ज्यादा के बाहर निकलता है ना तो वो स्प्रेड होने में मदद करता है उसको एक से दूसरे सेल में रेस्पिरेटरी ट्रैक में यहां से लेके यहां तक पूरी तरह से फैल जाएगा न्यू रेमिडेज इनिबिटर न्यू रेमिडेज एंजाइम होता है जो मदद करता है तो अगर हम इस एंजाइम को इनिबिट कर देते हैं ओसेल्टामीविर से फ्लूवीर से तो वायरस जो है ज्यादा फैलेगा ही नहीं आपके लंग्स में यह माना जाएगा ठीक तो इसीलिए फ्लूविर दी जाती है अभी भी दी जाती है इलाज के लिए और एजिथ्रोमाइसिन भी दी जाती है एजिथ्रोमाइसिन का भी देखा गया है इफेक्टिविटी है एजिथ्रोमाइसिन जग जाहिर एंटीबैक्टीरियल है और अब आ गई है जो दवा जिसका हमने नाम सुना है जो है हमारा फाविपिवाविर अब फाविपिवाविर जो है वो है जिसको हम कहेंगे आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम आर एन ए पॉलीमरेज इनिविटर है मतलब ये वो एंजाइम जो जो वायरस इस्तेमाल करता है मल्टीप्लाई होने के लिए एक वायरस से दो वायरस चार वायरस आठ वायरस उस टाइम में उसको आर एन ए पॉलीमरेज चाहिए अब ये आर एन ए उस वायरस का स्पेसिफिक आर एन ए होना चाहिए तो ये स्पेसिफिक आर एन ए के साथ ये क्योंकि ये एक जनरलाइज एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम आरएनए पॉलीमरेज इनिबिटर है तो यह उसको इनिबिट करता है इनिबिट करने का मतलब है कि जितनी तेजी से वायरस ग्रो हो रहा होगा आपके शरीर में उतना ग्रो नहीं होगा उतने तेजी से ग्रो नहीं होगा अगर ये दवा इनिशियल स्टेज में आपने दे दी इसीलिए ये दवा भी दी जाती है फ्लूविर भी दी जाती है आपकी एजिथ्रोमाइसिन भी दी जाती है कई बार एचिक्यू भी दी जाती है ये सारे थेरीज जो है प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है और सोचने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी लग रहे हैं समझने वाली बात यह है कि एक वायरस जो एक नॉर्मल इंसान में जिस दिन जाएगा उसके दो से चौदह दिन तक लेटेंट पीरियड है बिना आपको पता नहीं चलेगा लेटेंट पीरियड है आपको पता नहीं चलेगा आपके अंदर वायरस है कि नहीं है जब तक वो एक अच्छी मात्रा में मल्टीप्लाई हो चुका हो बढ़ चुका हो लंग्स को या किसी चीज को फीवर पैदा कर चुका हो ठीक है फीवर पैदा कर चुका हो और उसके बाद फिर कई सारे पेशेंट्स यानी उसके बाद भी जिन जिनको हो गया उसमें से भी 80 90 परसेंट पेशेंट्स खुद ठीक हो जाएंगे खुद ठीक हो जाएंगे और उसमें से जो कुछ पेशेंट्स 10 परसेंट रह जाएंगे 20 दस परसेंट पेशेंट जिनकी बीमारी थोड़ी बढ़ेगी जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होगा उसमें फिर ये दवाइयों का रोल आएगा बिल्कुल आएगा लेकिन ये कोई गेम चेंजर नहीं होने वाला यानी उस समय तक कई सारे पेशेंट्स होंगे जो क्योंकि ये प्रिवेंशन से ले नहीं ली जा सकती ये प्रिवेंशन के लिए नहीं ली जा सकती अगर आप फावी पीवावीर का जैपनीज जापन, जा, दवा है ये अभिज्ञान नाम से आदि जैपनीज जापन, जाप, दवा है तो इसको आप अगर वहां पर भी देखेंगे दिस इज बेसिकली सपोज टू बी यूज फॉर एनी नोवल या री इमर्जिंग इन्फ्लुएंजा वायरस ये इन्फ्लुएंजा जैसा वायरस है आपका कोरोना वायरस न्यू वायरस जो कोविड वायरस है और ये तब इस्तेमाल की जब प्रेजेंट एंटी इन्फ्लुएंजा वायरल एजेंट्स काम नहीं कर रहे हैं या फिर इन एडिशन टू दैट यूज़ की जा सकती है ऐसा उसके आप अगर अगर उसमें लिखने पर्चे में भी पढ़ोगे तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपको और ऐसा नहीं है कि ये कोई गेम चेंजर है अगर आप इसे लेट स्टेज में देते हैं एक बार बुखार आ गया चार दिन तक अच्छा सांस फूलने लग गया कई पेशेंट्स में दिनों में दिक्कत होने लग जाती है दिनों में दिक्कत हो जाती है तो यस कुछ मदद कर सकती है ये लेकिन इसके लिए हवा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है ये कोई गेम चेंजर नहीं है ये कोई ऐसा नहीं है हाँ ये डेथ रेट थोड़े कम कर देगी बिल्कुल करेगी जब हम पेशेंट्स को जो भर्ती करते हैं या जो पेशेंट्स हमारे पास सिक होते हैं उनको ऐसी कोई दवाइयां शुरू करते हैं तो अब उनका जो वायरस का मल्टीप्लिकेशन रेट है वो कम हो जाएगा बिल्कुल कम हो जाएगा थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन ये डिपेंड करता है कि डैमेज अब कौन कर रहा है अब वायरस डैमेज कर रहा है या वहां साइटोकाइन स्टॉम आ चुका है याद रखिए डेथ वायरस के वजह से नहीं हो रही है वायरस के खिलाफ आपका इम्यून सिस्टम जब साइटोकाइन स्टॉम कर रहा है तो डेथ हो रही है वायरस के वजह से जो हीमोग्लोबिन में इश्यू आ रहा है जो क्लॉटिंग बढ़ रही है जो वहां पर मैंने पहले बताया था क्लॉटिंग पॉइंट जो बढ़ रहा है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स बढ़ रहे हैं तब डेथ हो रही है नॉट बिकॉज कि हम वायरस की रेप्लीकेशन रोक देंगे तो डेथ हंड्रेड परसेंट रुक जाएगी ऐसा नहीं है सो दिस इज़ नॉट अ गेम चेंजर याद रखिए ये एक दवा है जो जैसी दूसरी तीसरी चौथी दवाएं हैं वैसी एक दवा है अब टाइफॉइड के लिए एक नई दवा आ गई तो हम जय हो जय हो करके खेलते हैं क्या भाई वाह भाई वाह वा, नहीं ठीक है आ गई हर बार नई कोई ना कोई दवा आती रहती है कभी ये कभी वो टाइफॉइड का रेजिस्टेंस आता रहता है वैसी फ्लू के लिए एक दवा आ गई है उसमें कोई नाचने गाने की जरूरत नहीं है बहुत सिंपल सी दवा है और प्लस ये दवा बहुत महंगी है भाई एक सौ की एक गोली है और दो सौ की एक गोली है आ आठ सौ एम खाना पड़ेगा पहले दिन और फिर 800 सॉरी अब अठारह एम खाना पड़ेगा पहले दिन टोटल खर्चा एक बार की ट्रीटमेंट का चौदह हजार रुपए आएगा केवल दवा का उसमें भी अगर वो लेट स्टेज में देते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा अगर इनिशियल स्टेज में देते हैं पहले दिन बुखार आएगा तब देते हैं तब तो चलो फिर ओके है लेकिन पहले दिन बुखार कोरोना के वजह से है कि वैसे ही है ये कौन डिसाइड करेगा कोई पता नहीं तो यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो बिकॉज ऑफ द रेट इसका लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा इतने महंगे रेट पे अगर हम इस दवा को दे रहे हैं तो टेक्निकली कोई गेम चेंजर नहीं होने वाला कई सारे लोग ज्यादातर लोग इसको लेट ही लेंगे और लेट 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 लेने पे इसका रोल जो है खत्म सा हो जाता है प्लस जो लोग पहले भी ले लेंगे हो सकता है उनको कोरोना वैसे ही ठीक कर देता तो 40 साल के नीचे तो वैसे ही इसका कोई रोल नहीं है रोल आएगा मेरे हिसाब से बाकी देखो ये पर्सनल ओपिनियन है मेरे हिसाब से जो एक्चुअल बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं बहुत ज्यादा दूसरी बीमारियाँ ब्लड प्रेशर शुगर और दूसरी बीमारियां जो अनकंट्रोल्ड हैं और उनको फ्लू जैसे कोई सिम्टम आते हैं उनके केस में ज़रूर ये काम आएगा पर उसमें भी एक दो इश्यूज हैं आप किडनी की बीमारी में लिवर की बीमारी में नहीं ले सकते आप प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी वाली उम्र में हो तो नहीं ले सकते एम्ब्रियोनिक लिटरली टेरेट्रोजेनेसिटी है इसकी बच्चे में बच्चे जो पैदा होने वाले बच्चों में साइड इफेक्ट कर सकता है बिल्कुल हंड्रेड सेफ़ नहीं है बट येस एज कम्पेयर टू एच एज कंपेयर टू दूसरे जो uh, हमारे पास uh, दवाइयां हैं उससे थोड़े सेफ़र है स्टीरॉइड से भी ये सेफर है स्टीरोयड्स में खूंखार साइड इफेक्ट है स्टीरोयड आप बाहर ले भी नहीं सकते उसको लेना चाहिए आईसीयूज में वो डॉक्टर देंगे अंदर निगरानी की भी हाँ आपके सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लेकिन एक ऑप्शन आ गया है कि अगर कोई पेशेंट घर पे है उसको कोई दिक्कतें बढ़ रही है अब कोई ऑप्शन है नहीं अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा तो एक दवाई और है जो आप ऐड करके देख सकते हो यस yes, ये ओके okay, है अच्छी बात है मगर ये कोई गेम चेंजर नहीं है ये कोरोना का हंड्रेड परसेंट इलाज नहीं है कोरोना के वायरस को थोड़ा सा रोकने वाला है अल्टीमेट जान किस चीज से बचेगी जान बचेगी आपकी नॉलेज से अगर आपको नॉलेज है कि कोरोना के सिम्टम क्या है मॉनिटरिंग कर रहे हो घर में ऑक्सीजन मॉनिटर ऑक्सीजन का लेवल देख रहे हो आप डॉक्टर से बात कर रहे हो रेगुलरली और एक लेवल पे जाके एक जब ऑक्सीजन लेवल्स में गड़बड़ आ रही है बुखार आ रही है तब आपको पता होना चाहिए कि आपको सिरम फेरेटिन आपको डी डाइमर लेवल्स कराने हैं क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि आपके शरीर में क्लॉटिंग हो रही क्लॉटिंग तो नहीं बन रही एक खादा क्लॉट बन के लंग्स में चला गया ये धरी की धरी की रह जाएगी सारी कुछ का को कोई काम नहीं है पेशेंट की डेथ वैसी हो जाती है तो उस समय अगर डी डाइमर और फेरम फेरेटिन लेवल करा के ब्लड थिनर शुरू होते हैं तो जान बच जाती है सही समय पर ऑक्सीजन मिलता है तो जान बच जाती है सही समय पर स्टीरोइड मिलता है तो जान बच जाती है ये खेल है मेडिकल का दवाइयों का ये हमें खेलना है जिस तरह से एक लड़ाई में जब इंसान जाता है तो उसमें दाव पेच होते हैं ये दाव पेच डॉक्टरों मेडिकल फील्ड के होते हैं खुद डॉक्टर ना बने कि एक दवाई आ गई है चौदह हजार तो चौदह हजार मैं खा लेता हूं मैं ठीक हो जाऊंगा ऐसा नहीं है कोई गारंटी नहीं है उल्लू मत बनिए बेवकूफ मत बनिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज और न्यूज चैनल आपको दिखाएंगे कि दवा आ गई है अब किसी को कुछ नहीं होगा जो भी है जो भी है जो भी है ऐसा होता नहीं ये ना चौल ऐसा नहीं है तो खुद से दवा मत लीजिए डॉक्टर से बात करिए अगेन फावी पीवावीर आए चाहे कोई भी आए ओके okay है अच्छी मेडिसिन है नो प्रॉब्लम बट साइड इफेक्ट हैं डोसेज बहुत हैवी है डोसेज हैवी साइड इफेक्ट हो सकते हैं इससे दूसरी भी दवाइयां है फ्लू वीर है जो जिसके थोड़े कम डोसेजेस हैं सो अगेन कोई भी मेडिसिन आती है उसके लिए ये अच्छी बात है अप्रूवल मिला है अब इंडिया में अप्रूव हो जाएगी मिलेगी जो दूसरी एक रामदे सिविर है वो भी एक एच की जो दवा है जो इंजेक्टेबल होती है उसके कंपैरिजन में ये घर पे दी जा सकती है इंजेक्टेबल दवा सिर्फ अस्पताल में दी जा सकती है घर पे नहीं दी जा सकती सो so, थोड़े बहुत एडवांटेज है इसमें दिस इज अ गुड थिंग फॉर मेडिकल फील्ड बट अल्टीमेट याद रखिए इलाज आपका कौन करेगा डॉक्टर और कोई नहीं खुद इलाज मत करने बैठ जाओ डॉक्टर के साथ तालमेल बिठाओगे तो ही बचोगे ये है राज उस चीज का सो so, कृपया खुशखबरी खुशखबरी बहुत अच्छी बात है बट देन प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड एंड डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी थैंक यू सो मच आई होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन लगी है तो so, फटफट फटफट फट, फट, शेयर कर दीजिए वरना जरूरत वाले को भी फावी पीवावीर नहीं मिलेगी वरना क्या होगा सब खरीद खरीद रख लेंगे अच्छी क्यूज के जैसे खरीद खरीद रखने का कोई फायदा नहीं है यंग आदमी को इसकी जरूरत नहीं है ओल्ड एज में ज़रूरत है लेकिन तब देना है जब जरूरत हो और सेफ हो अगेन लिवर किडनी या स्पेशल कोई बीमारी है तो फिर आपका कोई काम नहीं है खुद से सेल्फ मेडिकेशन मत करिएगा प्लीज अंडरस्टैंड थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी